स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिनॉर्ज पे। आईआरबी इंफ्रा का टारगेट प्राइस क्या है? आईआरबी इंफ्रा के शेयर का टारगेट प्राइस क्या होना चाहिए? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि आप देखेंगे तो आईआरबी इंफ्रा का शेयर का प्राइस कुछ दिन पहले लगभग 90 रुपीज के ऊपर पहुंच गया था, 90-95 के आसपास शेयर पहुंच रहा था, और अभी ये शेयर का प्राइस जो डाउन हुआ है, और देखते हैं आईआरबी इंफ्रा का शेयर का प्राइस जो कुछ दिन में जबरदस्त डाउन हुआ है, तो क्या आईआरबी इंफ्रा का शेयर यहाँ से एक बाउंस बैक दे सकता है? क्या ये शेयर यहाँ से रिटर्न दे सकता है? देखिए, आईआरबी इंफ्रा को लेकर अगर बात करते हैं तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा एक कंपनी है जिस कंपनी के पास बहुत ही जबरदस्त ऑर्डर बुक है, लगभग 36,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। तो ये बोल सकते हैं कि बहुत ही बड़ा ऑर्डर बुक है, बहुत ही ज्यादा ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जिस तरीके से गवर्नमेंट की ओर से काम किया जा रहा है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा किया जाए, उसका जो एक फायदा आईआरबी इंफ्रा जैसे कंपनीज को या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत सारे ऐसे कंपनी से उसको मिल सकता है, उसको हो सकता है आगे चल के। आईआरबी इंफ्रा के अगर देखते तो ज्यादातर प्रोजेक्ट जो है मतलब लॉन्ग टर्म के लिए है, जैसे कि 2040 तभी जाके ये सब बहुत सारे ऐसे मतलब प्रोजेक्ट्स है जो कंप्लीट होगा, मतलब ज्यादातर प्रोजेक्ट्स आईआरबी इंफ्रा के बड़े प्रोजेक्ट्स है। अभी यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कि आईआरबी इंफ्रा के शेयर में क्या करना चाहिए। आईआरबी इंफ्रा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इसका बिजनेस, इंफ्रा का जो बिजनेस है, इस बिजनेस में क्या रिस्क फैक्टर जुड़ा हुआ है और इसके बिजनेस को लेकर बात करेंगे। रिक्वेस्ट करते दोस्तों वीडियो पर पूरा बने रहिए, क्लिप भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फिनॉर्ज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बातें। देखिए आईआरबी इंफ्रा डेवलपर जो है इसका अगर देखते हैं तो इंप्रेसिव परफॉर्मेंस शेयर में देखने को मिला है। स्टॉक की बात करते हैं, इंक्रीज बाय अप्रोक्स 82.81%। दिस ग्रोथ इज इन पार्ट ऑफ ब्रॉडर ट्रेंड विद द स्टॉक ऑल्सो राइजिंग 48.93% ईयर टू डेट, जो कि 780.23% ओवर द पास्ट 5 ईयर्स, मतलब पिछले 5 ईयर्स में देखेंगे तो कंपनी के शेयर का जो प्राइस है 780.23% रिटर्न दिया है, और अगर देखते हैं तो एक साल में जो शेयर के प्राइस में एक जबरदस्त तेजी बना जो कि 48.93% के आसपास ईयर टू डेट कंपनी के शेयर में रिटर्न दिया है। स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करते हैं, रिफ्लेक्स द कंपनीज रोबस्ट प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो एंड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो ये कंपनी का जो बिजनेस है, देखिए अभी आईआरबी इंफ्रा में जो टोल कलेक्शन हुआ है इसका, देखिए इसके पहले भी देखेंगे तो क्वार्टर का जो टोल कलेक्शन हुआ है उसमें भी कंपनी ने एक रिकॉर्ड किया है, और अभी जो इसका टोल कलेक्शन हुआ है तो पहले का क्वार्टर का जो टोल कलेक्शन है उससे बढ़ के हुआ है, लगभग 20-30% के आसपास कंपनी का टोल कलेक्शन इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी का जो टोल कलेक्शन है क्वार्टरली इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो उससे कंपनी को अच्छा खासा एक रेवेन्यू आ। दोस्तों आईआरबी इंफ्रा का ऐसा क्या बोल सकते हैं कि की फैक्टर्स है, क्या चल रहा है आईआरबी इंफ्रा में जिसके चलते इस कंपनी का ग्रोथ जो है, इस कंपनी का जो बिजनेस है इसमें आगे प्रॉफिट वगैरह हो सकता है? स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो, ये मेजर पॉइंट है आईआरबी इंफ्रा का। आईआरबी हैज डिलीवर जो है डाइवर्स द एक्सटेंसिव पोर्टफोलियो ऑफ प्रोजेक्ट्स पर्टिकुलरली रोड्स एंड हाईवेज, देयर इन्वॉल्वमेंट सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट्स लाइक गोल्डन का जो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि हाईवे नेटवर्क हैज बोस्टेड देयर रेपुटेशन एंड रेवेन्यू। तो कंपनी के जो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो है ये कंपनी के जो बिजनेस है इसको आगे ग्रो कर सकता है, बढ़ा सकता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग इनिशिएटिव लाइक, जो है यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स का नाम बताया जा रहा है जो कि अगर देखेंगे तो हैज क्रिएटेड ए फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर कंपनीज लाइक आईआरबी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स है जो कि भारतमाला क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स है, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स है जो एक फेवरेबल प्रोजेक्ट्स बोल सकते हैं आईआरबी इंफ्रा जैसे कंपनीज को। इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड डायरेक्टली जो है बेनिफिटेड आईआरबी। तो अभी यहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं, आईआरबी हैज इफेक्टिवली जो है यहाँ पे लेवरेज्ड पीपीपी मॉडल्स टू अंडरटेक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स। दिस अप्रोच हैज अलाउड देम टू शेयर रिस्क एंड सिक्योर जो है यहाँ पे बोल सकते कि फंडिंग मोर एफिशिएंट। तो कंपनी जो है यहाँ पे अगर देखते हैं तो शेयर का प्राइस उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके जो ऑर्डर बुक है बहुत ही जबरदस्त है। ऑप्शनल एफिशिएंसी की बात करते हैं, कंपनी हैज फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग ऑप्शनल एफिशिएंसी, जो कि देख सकते हैं रिड्यूसिंग कॉस्ट है उसमें, एंड जो है यहाँ पे बोल सकते कि जो है एनहांसिंग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है। दिस हैज लीड टू बेटर प्रॉफिट मार्जिन एंड ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ। तो आईआरबी इंफ्रा के अगर देखते हो तो ज्यादातर जो अभी यहाँ पे काम चल रहा है, फिर जो अपडेट देखने को मिल रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी जो है बहुत ही मजबूत है। अभी इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स भी है दोस्तों आईआरबी इंफ्रा के बिजनेस को लेकर। स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन एंड एक्सपेंशन की बात करते हैं, आईआरबी हैज मेड स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन एंड एक्सपेंडेड
इट्स प्रोजेक्ट बेस्ड, बोथ जो है यहाँ पे जियोग्राफिकली एंड इन टर्म्स प्रोजेक्ट टाइप्स। डाइवर्सिफिकेशन क्या है कंपनी ने है इसके बिजनेस को और देखेंगे तो हेल्प जो है यहाँ पे मिटिगेट रिस्क एंड टैप इनटू न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स। तो कंपनी ने जिसके बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन किया है और यहाँ पे देख सकते जो इसका बिजनेस देखेंगे तो इसमें जो है इसी जो रिस्क है उसको थोड़ा मतलब बोल सकते कि रिड्यूस किया गया है और अगर देखेंगे तो न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम जो है कंपनी के यहाँ पे आगे चल के देखने को भी मिल सकता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करते हैं आईआरबी इंफ्रा का, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में कंपनी का देख सकते कंटिन्यूअसली जो है कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ एंड अगर बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी अट्रैक्टेड इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, दिस हैज बीन रिफ्लेक्टेड इन द स्टॉक्स परफॉर्मेंस ओवर द पास्ट ईयर्स। तो अभी यहाँ पे कंपनी का देखते हैं तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में कंपनी जबरदस्त कर रहा है, कंपनी का टोल कलेक्शन वगैरह इंक्रीज हो रहा है, अभी कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी है जो कि इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दिया है एंड कंपनी का बोलते कि जो ये सब इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी ने इसका जो बोलते कि एक रिजल्ट है जो इसके स्टॉक के परफॉर्मेंस में हम लोग को बीच में देखने को मिला है। आईआरबी इंफ्रा के शेयर का जो शेयर होल्डिंग है उसको लेके बात करते हैं तो प्रोमोटर्स के पास 30.42% का स्टेक है, प्रोमोटर्स ने थोड़ा बहुत स्टेक यहाँ पे रिड्यूस किया है। FIS के पास 44.47% का स्टेक है, तो यहाँ पे एक क्लियर पिक्चर आप देख पा रहे हैं कि प्रोमोटर्स से ज्यादा जो FIS है FIS के पास स्टेक है आईआरबी इंफ्रा में। म्यूचुअल फंड्स की बात कर 3.56% स्टेक जो है म्यूचुअल फंड्स के पास है, पब्लिक के पास 15.66% का स्टेक है, अदर्स के पास 1.17% का स्टेक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास 4.1% का स्टेक है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 0.01% का स्टेक है। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग में एक क्लियर पिक्चर जो देखने को मिल रहा है कि प्रोमोटर्स के पास जो है 30.42% का स्टेक है, उससे ज्यादा स्टेक FIS के पास है। देखिए प्रोमोटर्स ने जो है स्टेक थोड़ा बहुत रिड्यूस किया है और यहाँ पे बात करेंगे जो मतलब FIS और उसके बाद देखते तो पब्लिक जो है पब्लिक के पास लगभग 15.66% का स्टेक है। प्रोमोटर्स का देखेंगे तो दोस्तों ज्यादा स्टेक जो है इसका प्लेज्ड है जो कि 55.27% स्टेक जो है आईआरबी इंफ्रा के प्रोमोटर जो इन लोग का प्लेज्ड है। अभी यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, इंडिकेट्स अ सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट फ्रॉम जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स व्हिच ऑफन रिफ्लेक्ट्स कॉन्फिडेंस इन द कंपनीज लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स। तो यहाँ पे जो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो शेयर होल्डिंग का इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, तो इससे ये समझ में आता है कि जो इन्वेस्टर है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है उनका एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस है आईआरबी इंफ्रा के शेयर को लेके और आईआरबी इंफ्रा के कंपनी को लेके, जो कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स के लिए देखेंगे तो ये सब मतलब जो इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट कर रहा है। अभी यहाँ पे दोस्तों आईआरबी इंफ्रा को लेके समझते थोड़ा, देखिए शेयर का प्राइस अभी उतना ज्यादा नहीं है, कंपनी का ऑर्डर बुक बहुत ही जबरदस्त है जो कि लगभग 36,000 करोड़ के आसपास कंपनी का ऑर्डर बुक है। बहुत सारी कंपनी के पास जो अगर देखेंगे तो इंफ्रा में जो इससे कि ये काम करते हैं तो बहुत सारे ऐसे इंफ्रा के प्रोजेक्ट आईआरबी इंफ्रा के पास है, गवर्नमेंट की ओर से जो इंफ्रा को लेके काम किया जा रहा है उसका एक डायरेक्ट फायदा या फिर इनडायरेक्ट फायदा जो है आईआरबी इंफ्रा जैसे कंपनीज को हो रहा है। अभी यहाँ पे कुछ रिस्क फैक्टर्स है जो कि अगर देखेंगे तो अगर बाद में चल के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के पॉलिसी में कुछ चेंजेस हो गवर्नमेंट की ओर से तो आईआरबी इंफ्रा के शेयर में भी थोड़ा बहुत इसका इफेक्ट पड़ सकता है या फिर आईआरबी इंफ्रा की कंपनी में भी थोड़ा बहुत इफेक्ट इसका पड़ सकता है। आपको कैसा लगता है दोस्तों आईआरबी इंफ्रा का शेयर, जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद है जो भी इंफॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोइश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।